रूही 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 या रू अफजा, मुझे तो ये रूही नाम सुन के रू अफजा की याद आने लगती है। क्या आपको मालूम है इस मूवी का नाम पहले रू अफजा था, पर फिर प्रोड्यूसर ने इसका नाम बदल के रूही कर दिया। और क्या रू अफजा से इसका कुछ ताल्लुक है? है ताल्लुक। हमारी जो हीरोइन है मूवी में जानवी कपूर, इस मूवी में उसने डबल रोल एक तरह से प्ले किया है, दो हीरोइनों का। एक हीरोइन है रूही और एक है चुड़ैल जिसका नाम है अफजा। तो वो चुड़ैल रूही की बॉडी को पोजेस कर लेती है और साथ में हमारे दो हीरो हैं राजकुमार राव और वरुण शर्मा। और मजे की बात है कि एक हीरो राजकुमार राव को तो प्यार हो जाता है रूही से और वरुण शर्मा को प्यार हो जाता है अफजा से। तो ये एक अनोखी स्टोरी है और ये लव ट्रायंगल नहीं, मैं कहूंगा लव रेक्टेंगल है ये। और बेसिकली ये मूवी हॉरर कॉमेडी है। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, क्या ये हॉरर मूवी में कॉमेडी का तड़का है या कॉमेडी मूवी में हॉरर का तड़का है? मैं कहूंगा ये कॉमेडी ज्यादा है। बेसिकली कॉमेडी मूवी है जिसमें हॉरर का एलिमेंट भी है और मुझे ये मूवी पसंद आई और खास तौर से ये मूवी बच्चों को पसंद आएगी। हालांकि ये हॉरर इसमें है और डर भी लगता है, बट ओवरऑल कॉमेडी का लेवल इसमें अच्छा है, फुल ऑफ कॉमेडी है और बच्चों को पसंद आएगी। और एक खास बात है कि इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी डबल मीनिंग बातें नहीं है, डबल मीनिंग जोक्स नहीं है और ऐसे कोई गलत सीन्स भी नहीं है, फैमिली के साथ भी देखी जा सकती है। ओवरऑल एक एंटरटेनिंग मूवी है और ये 2.25 घंटे की मूवी है। तो पहले 1.5 घंटा तो ये एक सिंगल ट्रैक पे चलती है और काफी ग्रिपिंग है, डायरेक्शन अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी है दोनों एक्टर्स की, साथ में हीरोइन की भी। पर उसके बाद मैं कहूंगा जो आखिरी 45 मिनट की ये मूवी है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है, सोचना पड़ता है। थोड़ी जो बोली है वो भी प्योर हिंदी से चेंज होके थोड़ी गांव की बोली में भी चली जाती है और इस वजह से थोड़ा समझने में दिक्कत होती है और स्टोरी भी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। बट फिर भी ये एक मजेदार मूवी है और मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। मुझे ये मूवी बढ़िया लगी, पसंद आई। मुझे ये स्त्री मूवी से भी थोड़ी बेटर लगी ये मूवी। और अगर आपको हॉरर कॉमेडी मूवीज पसंद है तो आप इसको देख सकते हैं। ये सिनेमा हॉल्स पे रिलीज हुई है, मैं इसको कल ही देख के आया हूँ और मैंने इस मूवी को फुल एंजॉय किया। मूवी में कोई गाने नहीं है, पूरे जंगल की एक तरह से शूटिंग है। जंगल में एक बड़ा सा जगह है जहां पे रूही नाम की हीरोइन को हमारे ये दो हीरो किडनैप करके ले जाते हैं। मैं पूरी स्टोरी आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से होता है और ये जो लव रेक्टेंगल है इसका क्या रिजल्ट निकलता है, हीरोइन किसे मिलती है इन दोनों में से, ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी आपको ये मूवी। सो फ्रेंड्स, यू कैन वॉच दिस मूवी इफ यू लाइक कॉमेडी मूवीज और थोड़ा सा डर आप झेल सकते हैं तो ये मूवी आप देख सकते हैं। डू वॉच इट एंड एंजॉय।